ना जाओ। क्वेश्चंस जो दिए थे उस कोई भी नहीं लिखे हैं, एक भी व्यक्ति नहीं लिखा है जी। जो पिछला क्लास में क्वेश्चंस दिए थे प्रस्तावना से, उसको कोई लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। लिखते तब तो फिर बताते ना कि उसमें क्या करना था। हम एक फॉर्मेट बना के आप लोग को बता देते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे लिखना था, लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं तो कैसे हमको मालूम चलेगा आपका मिस्टेक क्या है, कहाँ पे आपको जो है कमी आपका क्वेश्चन के आंसर में हो रहा है। तो कोशिश तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं कि आप लोग का क्लास बहुत लंबा हो जाता है ना। सुबह कितने बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है? 9 बजे से। नागपुरी भी कर रहे हैं? अच्छा, 9 बजे से नागपुरी। और हमको लगता है कि 3:30 बजे, 3:30 नहीं 5 बजे ना, 6:30 बजे ना, 6 बजे तक तो लंबा क्लास तो ही जा रहा है। हाँ, 6 इधर हो जा रहा है, उधर जो है 3 उधर हो जा रहा है, 6:30 9 घंटा का क्लास हो जा रहा है। तो क्लास तो लंबा हो जा रहा है, लेकिन एक फ़ायदा भी हो रहा है। देखो तो कोई भी चीज़ ना, दो उसका पक्ष होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है ना। नेगेटिव ये हो रहा है कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है टाइम मेरा जा रहा है, 9 घंटा क्लास में जो है समय लग जा रहा है, थक जा रहे हैं है ना, स्ट्रेस भी बहुत हो रहा होगा, यहाँ जाने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता होगा। हो सकता है कि बहुत लोगों को खाना भी बनाना पड़ता होगा है ना, खाना भी खाना पड़ता होगा। ये जो है नेगेटिव है कि आपको जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जो है लग जा रहा है ना, दिन भर टाइम मेरा जो है नष्ट हो जा रहा है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन पॉजिटिव ये है कि जो है आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, आपका 9 घंटा बैठने का स्टेमिना बढ़ रहा है। 9 घंटा क्लास में बैठ रहे हैं मतलब 9 घंटा आपको फोकस्ड रहने का स्टेमिना बढ़ गया है, समझ में। अब अगर क्लास आप नहीं करोगे, अब आप क्लास नहीं करोगे तो भी आप घर पे बैठोगे तो आप 9 घंटा बैठ सकते हो पढ़ने के। ये आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ना आपके अंदर में स्टेमिना डेवलप हो रहा है पढ़ने का। अगर ऐसे अगर बैठा दिया जाता सेल्फ स्टडी के लिए 9 घंटा तो बैठते हैं? कभी नहीं बैठते। लेकिन चूँकि क्लास में जो है, चूँकि क्लास में आपको दो चीज़ है, या तो क्लास में आप जो है बोर हो जाइएगा तो मतलब आप क्लास में सो जाइएगा, या ध्यान नहीं दीजिएगा क्लास में, या तो फोकस्ड रहिएगा क्लास में। फोकस्ड अगर रहें तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड का जो कैपेसिटी है ना वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। माइंड का तो कैपेसिटी बहुत है ना, हम उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो डेवलप अभी आपका जो है ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन धीरे 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 वो क्या हो रहा है ना कि आपका माइंड का कैपेसिटी जो सीखने का है ना, वो आपका 9 घंटा नहीं सीख रहा हो, लेकिन इतना पक्का है कि 5-6 घंटा वो सीख ले रहा होगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा भी है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा जैसा तरीका होता है कि हम नोट डाउन करवाते हैं, जिससे बहुत टीचर्स क्या करते हैं कि समझा दिए, नोट डाउन नहीं करवाते, नोट्स वगैरह दे दिए या हैंड नोट्स दे दिए। हैंड नोट्स हम भी दे सकते हैं आपको, लेकिन उससे क्या नुकसान होता है ना कि लिखने का ना कैपेसिटी नहीं बढ़ पाता है, समझ में। अगर मान लीजिए आपको हम 3 घंटा क्लास लिए, 3 घंटा क्लास में 1.5 घंटा हम समझाएं, 1.5 घंटा लिखवाएं, 1.5 घंटा आपका लिखने का लगातार प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें दो चीज़ होगा, एक तो आपका हैंडराइटिंग सुधरेगा, समझ में, दूसरा आपका स्पीड बढ़ जाएगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको लिखने में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो मेंस में तो यही चाहिए, स्पीड चाहिए। मेंस में अगर आपका स्पीड नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको कितना समय मिलता है, मुश्किल से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो मुश्किल से 25 मिनट। 25 मिनट में आपको 800 वर्ड लिखना है, 700 कम से कम, 700 अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 700 से 800 वर्ड में आपको जो है आंसर लिखना होगा। तो आप 25 मिनट एवरेज मान लो, क्योंकि और भी उसमें काम आपका पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं,
साथ में जो है आपको मान लीजिए कि कुछ वहाँ पे भरना भी पड़ता है, आपको फिल भी करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ समय हो सकता है कि आप 2-4 मिनट के लिए रेस्ट भी लेंगे, है ना, पानी पी लेंगे, तभी हो सकता है किसी को बाथरूम भी जाना होता है, तो वो आपका साइड कर दीजिए। और आपको 4 क्वेश्चन लिखना है 3 घंटे में, तब मोटा मोटी अब जो लोग आपको 25 से 30 मिनट आपको मिल रहा है, तो 30 मिनट भी एवरेज हम मान लेते हैं, तो 30 मिनट में आपको 800 वर्ड लिखना है। अगर कंटिन्यू आप लिखते हैं तब तो आसान तो है नहीं। एक तो 3 घंटा बैठना, फोकस्ड होकर लिखना, दिमाग को चलाना, और जो है 800 वर्ड पर क्वेश्चन को लिखना। उसी में आपको फॉर्मेटिंग भी करना है, क्या लिखना है वो सोचना भी है और उसको लिखना भी है, और प्रेजेंटेशन भी करना है। ये भी चेक करना है कि आपका अशुद्धि बहुत ज़्यादा ना हो। अशुद्धि अगर हो रहा है तो फिर वो आपका बहुत नेगेटिव पार्ट है। बोला जाता है कि अगर अशुद्धि होता है तो एग्जामिनर तुरंत चेक कर लेता है, अगर 1-2 भी उसको मिल जाता है चेक कर लेता है कि अच्छा लड़का को लिखने नहीं आता है, लैंग्वेज इसका ख़राब है, तो पहले उसके माइंड में चला जाएगा कि इसके पास तो लैंग्वेज है ही नहीं, लैंग्वेज इसका ख़राब है, तो लैंग्वेज पे वो जो है वो फिर नंबर काटना स्टार्ट कर देगा, समझ में। तो इसलिए जो है ये होता है कि आपका जो है ये प्रैक्टिस का चीज़ है। लिखना जो है एक दिन में डेवलप नहीं होता है। जो राइटिंग स्किल है ना, वो सोचिएगा कि 1 दिन में हम डेवलप कर ले, 2 दिन में डेवलप कर ले, नहीं होगा वो, किसी हालत में नहीं होगा। आप खूब पढ़ लो और लिखने जाओ तो आपको लिखने नहीं आएगा, कि हमको लिखना किससे है, आ जाएगा। अभी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि लिखे नहीं कभी, हमको मालूम है अभी एक क्वेश्चन लिखने में 2 घंटा लगेगा, सोचते सोचते क्या लिखें, क्या शुरुआत करें, क्या उसके बीच में डालें, क्या नहीं डालें, क्या निष्कर्ष डालें, वो सोचते सोचते आपको 2 घंटा चला जाएगा, उसके बाद भी नहीं मिलेगा, उसके बाद भी कॉपी खोलिएगा कि क्या लिखे, उसको देख के लिखिएगा। वहाँ तो देखना भी नहीं है, वहाँ सिर्फ लिखना है, और जो आपके माइंड में है वही लिखना है, क्योंकि वहाँ तो कॉपी है ही नहीं, ना बुक है, ना कॉपी है, ना मोबाइल है, कुछ नहीं है। यहाँ तो मोबाइल भी खोल के हम चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फंड प्रस्तावना में क्या है, लिख कर लिए, तो आसान नहीं होता है, वो बहुत टफ होता है, और उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि लिखने का एक ही तरीका है, वो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका जो है राइटिंग स्किल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि सबका बढ़ा हुआ पहले से ही रहता है, हर कोई डेवलप करता है। हमारे पास एक लड़का था जिसको हम बता रहे हैं कि पिछले 6th JPSC में उसका सिलेक्शन हुआ है ना, प्रशासनिक सेवा उसको भी मिला है। एक और लड़की थी, बोकारो की लड़की थी ना, एक और लड़की थी कविता, है ना, उसका एजुकेशन सर्विस में हुआ। कविता का एक कहानी सुनाते हैं कि वो लिख नहीं पाती थी, मतलब लिखती थी लेकिन बहुत स्लो लिखती थी, पहला उसका ये था। दूसरा था कि अशुद्धि बहुत था उसका, है ना, अशुद्धि बहुत था। तीसरा था कि नॉलेज भी उस तरह का नहीं था उसके पास, है ना, मतलब बहुत, मतलब सिंपल से बात है कि हिंदी मीडियम में अगर हैं तो हाई स्कूल से और जो है कॉलेज से पढ़ के आए आप उसी टाइप का, है ना, जहाँ पे बहुत आपका डेवलप नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है चीज़ों का, तो पर्सनालिटी भी दबा हुआ रहता है, प्लस है कि जो है आपका उस तरह का राइटिंग स्किल भी अच्छा नहीं होता है, प्लस उतना आपको समझने का भी जो है कैपेसिटी जो है उस टाइप का नहीं होता है कि जो सिविल सर्विसेज में जो मांगता है, तो उसका बहुत वीक था। लेकिन जो है पूरे 1 सालों जो है मेहनत की, मतलब लिखना स्टार्ट की, गलती सही जो भी है ना, लिखना स्टार्ट किया, धीरे 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 उसका राइटिंग स्किल अच्छा होता चला गया। अशुद्धि था उसको कम करना स्टार्ट की। अशुद्धि कम करने का जो है, देखो लैंग्वेज अगर आपके पास नहीं है तो लैंग्वेज का सबसे बेहतर तरीका है या तो न्यूज़पेपर का जो ऑडिटोरियल आता है उसको पढ़िए, या तो कोई लिटरेचर का बुक है उसको पढ़िए, कोई भी लिटरेचर जो आपको इंटरेस्ट का हो, मान ली प्रेमचंद का ही पढ़िए, तो उसमें लैंग्वेज आपको मिल जाएगा कि कैसे लैंग्वेज लिखना है। और दूसरा जो है अशुद्धि अगर है तो उसको आप चेक कीजिए कि कहाँ पे हम कौन सा वर्ड अशुद्धि लिख रहे हैं, तो वो चेक करते रहिए और उसको ठीक करते रहिए, तो 1 दिन में ठीक होगा। ये हो सकता है आपके लिखने में शुद्ध अशुद्धि हो रहा हो, तो धीरे धीरे वो क्या होगा कि धीरे धीरे वो 4 सही होगा, 8 सही होगा, 10 सही होगा, 20 सही होगा, ऐसे करते करते आपका 100 गलत जो हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो वो डेवलप करना पड़ता है, वो डेवलप जो है वो आप करेंगे, कोई दूसरा कोई आके नहीं करेगा, वो आपको ही करना है। लक्ष्य आपका एक ही है ना कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है ना, सबको लक्ष्य तो यही है कि भाई हमको जो है, किसी का लक्ष्य होगा कि वीडियो बनना है, किसी का है कि DSP बनना होगा, किसी का होगा कि CO बनना होगा,
किसी का फाइनेंस में भी होगा, सबका तो लक्ष्य है वही है, मतलब एक ही है कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है। तो हमको दो चीज़ भी ध्यान रखना है, एक तो उसके जाने के लिए हमको जो करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा, समझ में। अब जो आप यहाँ पे एक्सक्यूज हमको दे सकते हैं कि सर हमको 9-10 घंटा क्लास करना पड़ जा रहा है, हमको जो है 15 घंटा पढ़ना पड़ता है घर में, है ना, थक जाते हैं, है ना, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, जाने के साथ ही सो जाते हैं, इतना थकावट आ जा रहा है, बहुत प्रेशर आ जा रहा है सर। लेकिन जब आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो आपका ये सब एक्सक्यूज सुनेगा, नहीं सुनेगा। उसको क्या मतलब है कि आप थक जाते हैं, आप नहीं सो पाते हैं, आप नहीं खा पाते, उसको मतलब ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है आपका ये सब एक्सक्यूज है। तो जब वो आपका एक्सक्यूज नहीं सुनेगा तो फिर सुनाना क्यों, पहला चीज़ है। और कोई भी समस्या आपके पास आएगा, देखिए पर्सनालिटी डेवलप यहीं पे होता है, हम अभी अगर समस्या से भागने लगेंगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा। आपको जिस फील्ड में आप जा रहे हैं ना, उस फील्ड में आपको जुझारू बनना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना है उस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन होने के पहले या सिलेक्शन होने के पहले हमको जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जब आप सिलेक्शन आपको मिल जाएगा ना उसके बाद भी आपको स्ट्रगल करना है वर्क करने के लिए, समझ में। उसके बाद भी आपको जुझारूपन आपके अंदर में चाहिए वर्क करने के लिए, तो वहाँ भी प्रेशर बहुत हाई होगा। वहाँ तो यहाँ तो हमारे जो 8-9 घंटा कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कि 20 घंटा काम करना पड़ जाए। प्रधानमंत्री आए होंगे, लगा दिया ड्यूटी, आप 2 दिन से ड्यूटी में सो भी नहीं रहे हैं, ड्यूटी में लगे हुए हैं, चुनाव चल रहा ड्यूटी में लगे हुए हैं, मान लीजिए पूरा 24 घंटा आप काम ही कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे सो जा रहे 2 घंटा चलते चलते, वही आपका सोने का समय होगा, तो वहाँ तो और ज़्यादा स्ट्रगल है। तो अभी से अगर पर्सनालिटी आप स्ट्रगल वाला नहीं बनाएंगे तो उस समय जाकर तो टूट जाएंगे, बोला अरे बहुत काम करना पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सिलेक्शन मान लीजिए हो भी जाए किसी तरीके से तो वहाँ पर वो टिक नहीं पाते, वहाँ पर फिर वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, स्ट्रेस में रहते हैं बेकार जिस जॉब में आके। इससे अच्छा था कि कहीं दुकान खोल के बैठ लेते, कम से कम 8 घंटा काम करते, सोते खाते पीते, ये है ना। तो फिर इसका मतलब है कि जो है वो स्ट्रगल उस तरह का जुझारू पर नहीं ले पाया। तो आपके पर्सनालिटी में स्ट्रगल वाला फेज तो आना ही चाहिए, जुझारूपन आना ही चाहिए, और ये अभी से डेवलप होना चाहिए। अभी से डेवलप होगा तो वहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए, वहाँ पे लगेगा अरे ये तो मेरा पहले भी काम करते थे आज भी काम कर रहे हैं। पढ़ने का आदत आपको डालना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ते हैं आपको ये रीडिंग और राइटिंग ये दो चीज़ आपको एकदम डेवलप करना पड़ेगा। नहीं करेंगे वहाँ भी वही काम करना, इतना फाइल आपके पास आएगा ना कि हर फाइल को आपको पढ़ना है और लिखना है, समझ में। तो आपको ये दो चीज़ तो डेवलप करना ही है, अगर ये दो चीज़ डेवलप नहीं करेंगे तो फिर वहाँ भी दिक्कत होना है और हर जगह दिक्कत होगा, समझ में। तो ये आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, आप अभी से कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि भाई हमको करना ही है, अभी से ही करना है, है ना, अभी से डेवलप करना है, राइटिंग हो या रीडिंग हो, यही दो काम सिविल सर्विसेज में करना है, रीडिंग और राइटिंग। ये दो काम आप कर लिए तो आपका सिविल सर्विसेज में होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये दो काम आप कर लिए तो उसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है तीसरा, दो ही काम है, रीडिंग और राइटिंग। पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, जो पढ़ते हैं ना याद नहीं होता है ना, उसको लिखिए आप तो देखिए याद हो जाएगा। जो भी आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आप बुक पढ़ें, मान लीजिए आप प्रेमबल ही पढ़ें, तो प्रेमबल पढ़ लिए फिर बाद में भूल जाते हैं, लेकिन अब उसको आप पढ़ने के बाद फिर उसको लिखिए आप, याद हो जाएगा आपको। आप 2-3 बार लिखिए, देखिए वो सबसे परफेक्ट होता है याद करने का तरीका, पढ़िए और फिर उसको लिखिए, समझ में। ये दो काम करेंगे, पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, आपका परफेक्ट होते चला जाएगा। जो भी पढ़िए उसको लिखिए जरूर, वो रटने वाला काम मत कीजिए, रटिएगा ना वो फिर स्लिप कर जाएगा, वो बचपन में चलता था है ना, लेकिन इसलिए उसका ज़रूरत अब नहीं पड़ता है तो जो है भूल गए, लेकिन यहाँ पे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा, आगे बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए दो अगर तरीका मेरे अनुसार बता रहे हैं कि आप पढ़िए और उसको लिखिए, ये दो काम आप करते रहेंगे ना तो आपका जो है देखिएगा कितना तेज़ी से ना एक मंथ में आपका डेवलप हो जाएगा, एक मंथ में आपके अंदर में डेवलपमेंट आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मेरे अंदर बहुत कुछ आ गया, समझ में, बहुत कुछ आ गया। अब फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा, कॉन्फिडेंस कोई
बाहर से लाया हुआ चीज़ नहीं होता है, तो मतलब वहाँ जाए और ख़रीद के ला के अपने अंदर में डाल लें, वो नहीं होता, वो इंटरनल होता है। आप अपने अंदर में ही कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, और जब तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तब तक आपको विश्वास ही नहीं होगा कि हमसे निकल जाएगा एग्जाम, हमसे तो निकलेगा ही नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर में डालने के लिए ये दो काम करना है, ठीक है। और जो ये हम लोग जो एक्सक्यूज़ देते रहते हैं इसको छोड़ दीजिए, इससे अब कोई मतलब किसी को नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। होना आपका है, नहीं होना आपका है, ना हमको मतलब है। हम हो सकता है कि चलिए आपको टीचर है तो दर्द समझ लेंगे कि नहीं भाई 9 घंटा वाकई में बहुत कष्ट वाला है इन लोगों का, है ना, लेकिन दूसरा कोई नहीं समझेगा, एग्जामिनर नहीं समझेगा। आप लिखिएगा खराब, ये बोलिएगा सर हम तो 9 घंटा पढ़ते थे, क्लासे करते थे, पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, तो नहीं लिख पाए, तो एग्जामिनर थोड़ी सुनेगा। इंटरव्यू में जाइएगा नहीं सुनेगा, उसको चाहिए उसको परफेक्ट व्यक्ति जो अच्छा लिखता भी हो तो आपको मेंस मिलेगा, अच्छा याद करने वाला हो तो पीटी मिलेगा, और अच्छा पर्सनालिटी होगा तो इंटरव्यू मिलेगा, तो उसको वैसे व्यक्ति चाहिए, ठीक है। और आपको कैसे डेवलप कीजिएगा ये आप समझिए। हाँ ये है, 1 साल आपको करना तो पड़ेगा, तपस्या है, इसको बोलते हैं तपस्या, ये पढ़ना नहीं। सिविल सर्विस से जाना आसान भी नहीं होता है और बहुत टफ भी नहीं होता है। अगर चीज़ों को आप समझ गए और करने लगे, रेगुलर करने लगे, तो बहुत आसान भी है और नहीं तो बहुत टफ भी है, दोनों चीज़ें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इसको आसान बनाते हैं या इसको टफ बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर रेगुलर अगर चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत आसान है, और नहीं कर रहे हैं, अचानक से आप 1 महीना एग्ज़ाम का बचा आप भिड़ गए, रात दिन एक करने लगे, तो टफ भी हो जाता है ना। तो इसलिए जो है ये चीज़ सब चीज़ें जो है पॉजिटिव लीजिए कि जो है इतना घंटा देना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये पॉजिटिव है आपके लिए। अगर स्ट्रगल हो रहा है तो बेहतर है, जितना स्ट्रगल होगा उतना अच्छा है आपके जीवन में, समझ में। जितना हम लोग का अगर कहानी सुनिएगा ना कि हम लोग तो दिल्ली में रहते, दिल्ली में हम लोग जाकर तैयारी किए थे, तो हम लोग का क्लासेस जो है ना पूरा सुबह से शाम तक, आप लोग को तो 9 बजे स्टार्ट होता, हम लोग को 7:30 बजे स्टार्ट होता था, और रात को 8 बजे तक करते छोड़ निकलते थे हम लोग। समय दो दो ऑप्शनल होता था, दोनों ऑप्शनल भी करना था और जीएस भी करना था, और लगातार वहाँ का यहाँ का क्लास तो 1.5 घंटा ना, वहाँ का 3-3.5 घंटा क्लास होता था, कभी कभी 5 घंटा भी क्लास चला जाता था। लगातार क्लास करते थे, सुबह में खाना बना के जाते थे, वही खाते थे और लेके जाते थे, और फिर पूरे दिन भर क्लास करते थे, फिर रात को आकर फिर जो है क्लास खाना वाना बनाते थे, फिर बैठ के पढ़ते थे, फिर 12-1 बजे सोते थे, 2 बजे सोते थे, फिर जाते थे, फिर सोए, फिर उठे, फिर खाना बनाए, तुरंत क्लास। इस टाइप का जीवन जो है लगातार 1 साल नहीं, 2-2, 3-3 साल गुजारे हैं, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो राइटिंग कीजिए, राइटिंग कीजिएगा, फ़ायदा होगा, बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा, ये यकीन मानिए। हम लोग का संविधान का विशेषता हो रहा था ना, संविधान के विशेषताएं में हम लोग कल कुछ पॉइंट बताए थे, है ना। लास्ट पॉइंट क्या बताए थे, लिखित वाला बता दिए थे ना, लिखित एवं निर्मित संविधान, अच्छा ये लंबा संविधान वाला बताया था ना। नेक्स्ट हम लोग का संसदीय शासन व्यवस्था, नेक्स्ट है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का देखो, ये जो संसदीय शासन व्यवस्था ये जो है लिया गया है कहां से, ये ब्रिटेन का है ना, ये ब्रिटेन से जो है ये प्रोविज़न लिया गया है। और ये संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये जो है ऐसा नहीं कि मतलब दिया गया अचानक से, ये भारत में ही डेवलप हुआ है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आप लोग पढ़े होंगे संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास जो है
आप बुक में भी देखे होंगे तो संवैधानिक विकास आपको मिलता है पढ़ने के लिए। संवैधानिक विकास का मतलब होता है 1773, ठीक है, 1773 से लेकर जो है 1935 तक, ये जो ड्यूरेशन है इसके बीच में ही संवैधानिक विकास होता है। 1773 में जो है फर्स्ट बार जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है लाया गया था, ठीक है। ये रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह से क्या था मालूम है, बोला जाता है कि जब चूँकि भारत में जो है यहाँ पर जो ब्रिटिश जो व्यापार कर रहे थे उस व्यापार करने के लिए जो है एक कंपनी बनाए थे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, प्राइवेट कंपनी था। कुछ लोगों ने मिलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था। किस लिए बनाया गया था कि ईस्ट के जो कंट्री है, जो पूर्वी जो देश है एशिया के, उनके साथ व्यापार किया जाए, ठीक है। और व्यापार करने के लिए जो है जो ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने जो है एक आज्ञा पत्र दिया था कि आप जाओ और जाके जो है आप ईस्ट के जो कंट्री है, ईस्ट एशिया का जो कंट्री है उनके साथ जाकर जो है आप व्यापार करो, ठीक है। तो शुरुआत में बोला जाता है कि 15 साल के लिए जो है उनको ये आज्ञा पत्र दिया गया था। उसको आज्ञा पत्र जो दिया जाता था उसको चार्टर बोला जाता था, है ना, चार्टर। तो चार्टर जो है दिया गया था कि भाई आप 15 साल के लिए जाके आप उन क्षेत्रों में जो जाके व्यापार कीजिए। तो ये यहाँ पे आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, लगभग 1600 ईस्वी के आसपास में भारत में आए और यहाँ पे उन लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जो है बोला जाता है 1600 ईस्वी से लेकर जो है 1700 ईस्वी तक इन लोगों ने व्यापार किया भारत में। तो यहाँ व्यापार कैसा करते थे कि यहाँ पे आते थे, यहाँ से जो है मसाला, है ना, सूती वस्त्र, मलमल, है ना, और भी जो भी वस्तुएं होती थी जो उनकी आवश्यकता के अनुसार होती थी उनको खरीदते थे और ले जाकर उसको ब्रिटेन में जो है या यूरोप में बेच देते थे। इससे क्या होता था कि यहाँ पे ये खरीदे, मान लीजिए एग्जांपल कि यहाँ पर खरीदे 10 रुपये में और वहाँ पे बेचते थे 30 रुपये में, 40 रुपये में, कभी कभी 60 रुपये में, तो 6 गुना मुनाफा होता था, तो फायदेकारी होता था, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ उठाते थे, वहाँ से ले जाकर बेच देते थे 6 गुना में, तो 60 रुपये में बेचे 50 रुपये फ़ायदा हो रहा है, तो लाभ का इनका सौदा था व्यापार। और इसीलिए 1600 लेकर जो है 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक जो है माना जाता है कि भारत के लिए भी लाभ की स्थिति था। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब व्यापार बढ़ेगा आपका तो सिंपल सी बात है कि चक्र है इकोनॉमिक्स, अगर थोड़ा पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक्स जो है दो चीज़ों पर चलता है। अगर इकोनॉमिक्स हम देखें तो दो चीज़ पर चलता है, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई, है ना, मांग और पूर्ति, है ना, इसको बोलते हैं ना मांग और पूर्ति, ये दो चीज़ जो है चलता है। जितना जो है मान लीजिए कि मांग जो है, अगर मान लीजिए 100 मोबाइल का जो है डिमांड है भारतीय जो है, मान लीजिए कि भारत में उसमें 100 मोबाइल का डिमांड है, तो सप्लाई भी कितना हो रहा है 100 मोबाइल का, क्योंकि जितना मांग है उतना पूर्ति हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही अगर होगा कि डिमांड 100 मोबाइल का है और जो है पूर्ति है 80 मोबाइल का, ठीक है, मान लीजिए पूर्ति है 80 मोबाइल का, सप्लाई जो है 80 मोबाइल का है, तो 20 मोबाइल तक कम है लेकिन डिमांड यहाँ 100 का है, तो क्या होगा, दाम इंक्रीज हो जाएगा, समझ में, दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चूँकि 80 है पूर्ति तो इसका दाम फिर बढ़ के आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है डिमांड 100 है और बना रहे 120, तो फिर दाम क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल ज़्यादा है तो कम दाम में बेचने का कोशिश किया जाता है चीज़ों को। तो ये मांग पूर्ति पे जो है पूरा का पूरा चलता है। तो भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा था, चूँकि उस समय मशीनीकरण तो था नहीं, मुगल के समय में मशीनीकरण नहीं था, तो उसमें प्रोडक्शन कैसे होता था, हाथ से बना हुआ कपड़ा होता था, मलमल होता था, या फिर हाथ से बना हुआ डिजाइन किया हुआ अलग अलग जो है वस्तुएं बनता था। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बनता था, चाहे मसाला का उत्पादन होता था। तो यहाँ पे जो उस समय जो डिमांड था, वो डिमांड जो है उस समय जो है मान लीजिए डिमांड जो है 10 लाख का जो है डिमांड जो है उसमें होता था। अंग्रेज आए तो इन लोगों ने डिमांड को क्या किया, बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि ये आए तो जो है अधिक से अधिक जितना वस्तु बेचेंगे उतना फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए 100 मोबाइल बेच रहे हैं और उनको 100 मोबाइल में 50 रुपये फ़ायदा हो रहा है, तो 200 मोबाइल बेचेंगे 100 रुपये फ़ायदा के लिए,
500 मोबाइल बेचेंगे। तो ये क्या कर रहे थे कि यहाँ से माल ले जाकर जो है यूरोप में बेच रहे थे, तो यूरोप में जो बेच रहे थे तो इन्होंने क्या क्या डिमांड बढ़ा दिया भारत में आकर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को बोला कि भाई हमको और चाहिए सूती वस्त्र, और हमको जो है ये आलिशान वस्तु चाहिए, जो भी है चादर चाहिए, मलमल चाहिए, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ जो है इन लोगों ने मांगना स्टार्ट कर दिया कि और बनाइए। तो सिंपल सा बात है कि पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड मान लीजिए कि बढ़ गया। मान लीजिए एग्जांपल मोबाइल का है, 500 मोबाइल का जो है डिमांड आ गया अचानक से, तो 100 मोबाइल का तो बन रहा था, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था 100 मोबाइल बनाने का, लेकिन 500 का मोबाइल बन गया तो 400 मोबाइल एक्स्ट्रा आ गया ना। तो 400 मोबाइल जो है इसको पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, है ना। मतलब प्रोडक्शन जो है क्या होगा, उत्पादन जो है बढ़ाना पड़ेगा, यही है ना। 400 मोबाइल के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो क्या होगा उत्पादन में, जो है सिंपल से बात है कि इसमें जो है चूँकि पहले मशीन से ज़्यादा मशीन से होता नहीं था, चीज़ें जो है कौन करते थे, लोग करते थे, तो जो है लोग जो है इसमें क्या हो गए, और लोगों को क्या होगा इसमें जुड़ गया उत्पादन में, समझ में। मतलब लोगों को रोज़गार मिलना स्टार्ट हो गया। 400 मोबाइल बनाना है तो पहले यूनिट मान लीजिए कि जो है 5 यूनिट काम कर रहा था 100 मोबाइल बनाने के लिए, अब 500 मोबाइल बनाने के लिए जो है 25 यूनिट काम करने लगा, तो 20 यूनिट बढ़ गया ना। तो 20 यूनिट बढ़ा तो 20 यूनिट में लोग तो चाहिए ना, तो लोगों को भी काम मिलने लगा। अब अंग्रेज क्या करते थे, डिमांड को पूरा करने के लिए पैसा नहीं था तो ये पैसा भी दे देते थे, एडवांस पैसा देते थे कि भाई ये लो एडवांस हम दे रहे हैं लेकिन हमको माल चाहिए, समझ में। तो बोला जाता कि इसी कारण क्या था कि जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा था, लोगों उत्पादन भी बढ़ रहा था, उत्पादन बढ़ रहा था तो लोगों को काम मिल रहा था, और लोग जब काम मिल रहा था तो लोगों का जो है क्रय शक्ति भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लोगों के पास पैसा आ रहा था तो लोग संपन्न थे। इसलिए जो है अगर आप देखोगे उस समय 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में लोगों का खासकर जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था था ना वो बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत और उन्नत भी था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा खूब आ रहा था इस कारण। लेकिन उसके बाद जो है 1700 के बाद क्या हुआ कि 1700 खासकर 57 के बाद कि अंग्रेज़ जो है धीरे धीरे अब क्या करने लगे कि जो है अब इन लोगों ने पलट दिया चीज़ों को, अब ये कब्जा करना स्टार्ट कर दिए, और कब्जा करने के बाद जो है इनसे जो है काम तो करवाते थे लेकिन सही दाम नहीं देने लगे, ठीक है। तो जो है अब इनकी स्थिति क्या हो गया, ख़राब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये शासक बनना स्टार्ट कर दिए। जब शासक बन गए तो ये तो कंपनी थी ना, प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन ये अब शासन भी करने लगी। तो सिंपल सा बात है इसके ऊपर नियंत्रण करना जरूरी था, और नियंत्रण कौन करता, तो ब्रिटेन करता नियंत्रण, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी थी। तो उसने नियंत्रण करने के लिए क्या किया कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया। और 1773 से 1857 तक आते आते क्या हो गया, 1858 का एक्ट आया, तो इस समय जो है क्या किया कि पूरा 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्ति कर दिया, और बोला कि ये शासन जो व्यवस्था भारत का है ये 1858 में ख़त्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, बोला कि आप सिर्फ व्यापार करो, लेकिन जो है अब शासन व्यवस्था किसके पास आ गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, है ना, क्राउन के पास शासन आ गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है यहाँ से शासन करने लगा। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट जब शासन करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी डेवलप किया, कैसा शासन व्यवस्था, जैसे ब्रिटेन में था तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, क्योंकि पार्लियामेंट भी सारा विधि वगैरह सब कुछ बनता था। तो उसने भी जो है 1858 के बाद यहाँ पर डेवलप करना स्टार्ट किया उसी तरीके की शासन व्यवस्था, जैसे हमारा होगा, जैसे हमारा शासन व्यवस्था है उसी हिसाब से शासन व्यवस्था वहाँ भी डेवलप किए, ठीक है। तो उसने जो है यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था धीरे धीरे यहाँ भी जो है उसने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, समझ में। और धीरे धीरे 1858 के एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, है ना, उस 1900 जो है 5 का एक्ट, 1900 जो है 9 का एक्ट, 1919 का एक्ट, और 1935 का एक्ट, लास्ट जो बृहद जो बना, जो बृहद जो प्रोविज़न किया गया पूरा संसदीय व्यवस्था का, वो 1935 का एक्ट में था। इसमें बहुत बृहद जो है प्रोविज़न किया गया, और यहीं पर जो है प्रांत का भी कॉन्सेप्ट डाला गया, प्रांत का भी अलग शासन और केंद्र का अलग शासन, और दोनों जगह जो है वहाँ पर भी जो है संसदीय शासन व्यवस्था, यहाँ पर भी संसदीय, मतलब विधानसभा के माध्यम से जो है विधि का निर्माण करना, और पूरा का पूरा जो है जो भी कार्य नीति बजट सब कुछ जो है कहाँ पर पास होगा, केंद्रीय विधानसभा और राज्य के विधानसभा में। यही क्या हुआ,
कि धीरे धीरे ये डेवलप 1935 में हो गया। जब हमारा संविधान बनने लगा तो उस समय जो है ये ध्यान रखा गया कि चूँकि जो चीज़ें डेवलप थी, चूँकि जिस चीज़ों से हम हैबिचुअल थे, आदत हो गया था, इन चीज़ों को समझ चुके थे, उन्हीं चीज़ों को रखा जाए। नया अगर कोई व्यवस्था हम लाते हैं तो सिंपल सा बात होता है कि नई व्यवस्था में जो है लोग जो है उसमें जो है समझ पाते कि नहीं समझ पाते, या लोग उससे रेगुलेट हो पाते कि नहीं हो पाते। इसीलिए ब्रिटेन ने जो व्यवस्था डेवलप किया था उसी व्यवस्था को हम लोगों ने क्या किया, अपने संविधान में रख लिया। इसीलिए बोला जाता है कि पूरा का लगभग 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद जो है 1935 के एक्ट से ही है, समझ में, मतलब ब्रिटेन के द्वारा ही है। और वो कौन सा है, पूरा का पूरा संसदीय व्यवस्था, पूरा पूरा संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था हम लोग को किस तरीके का है, संसदीय शासन व्यवस्था। अगर संसदीय शासन व्यवस्था नहीं होता तब क्या होता, फिर तो प्रधानमंत्री जो है इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, तब फिर राष्ट्रपति ही जो है क्या होते हैं, हेड तो अभी भी राष्ट्रपति ही है, लेकिन जो है कार्यात्मक भी हेड होते हैं और जो है सिद्धांतिक भी हेड होते हैं, दोनों हेड होते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या है, सिद्धांतिक भी हेड है और कार्यात्मक भी हेड है, मतलब फंक्शन भी हेड में भी वही है, काम भी वही हेड करते हैं। लेकिन भारत में क्या है, चूँकि संसदीय शासन व्यवस्था है तो यहाँ पे राष्ट्रपति तो हेड हैं लेकिन वास्तविक नहीं है, राष्ट्रपति तो हेड है लेकिन वास्तविक नहीं है। वास्तविक कौन है, संसदीय व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से हेड है। मतलब भले पावरफुल हम कागज़ पर जो है राष्ट्रपति को दिखाते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से पावरफुल कौन है, प्रधानमंत्री। क्यों, सारा काम तो वही करते हैं, सारा निर्णय वही लेते हैं। राष्ट्रपति का काम क्या होता है, सिर्फ जो है साइन कर देना और मुहर लगा देना, यही काम राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति जो है अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकता है, क्यों, सारा कुछ उसको सलाह पे ही काम करना है, मंत्रिपरिषद के सलाह पे, और मंत्रिपरिषद का हेड कौन, प्रधानमंत्री, है ना। तो सारा कुछ प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करना है, समझ में। इंदिरा गांधी के समय बोला जाता है कि इंदिरा गांधी के समय अभी तो है कि राष्ट्रपति जो है एक बार लौटा सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद बोला कि भाई जो है आपको जो है ये बिल पे साइन करना है, मान लीजिए 3 तलाक पे साइन करने के लिए भेज दिया गया, तो लौटा भी दिए कि भाई हम फिर से आप विचार कीजिए, हमको लग रहा है कभी गलती है, लेकिन फिर अगर पास करके भेज दिया गया तो जो है वो साइन करने के लिए बाध्य है। इंदिरा गांधी के समय में तो जो है वो भी अधिकार नहीं था, राष्ट्रपति के पास जो भेज दिया गया उसको साइन करने के लिए बाध्य है, लौटा भी नहीं सकते थे। अभी तो एक बार लौटा सकते हैं, उस समय लौटाना का भी पावर नहीं था। मतलब इसलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति जो है रबर स्टंप है, क्यों, क्योंकि जो उनका काम ही है सिर्फ जो है ठप्पा लगा के भेज देना, कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाना है, भेज दिया गया प्रस्ताव साइन करके भेज देना, राष्ट्रपति को सिर्फ साइन करने के लिए रख दिया गया है। और ज़्यादा क्या करेंगे, भारत रत्न बांटिए, है ना, पद्मश्री राष्ट्रपति उसी से मना जा रहा है। और जब बहुत होगा तो 26 जनवरी को जो है 15 अगस्त को दिख जाएंगे, या फिर कोई दो देश का दौरा होगा उस समय दिख जाएंगे, या फिर जो है पार्लियामेंट में जो है प्रथम जो भाषण होता है वो भी जो है मंत्रिपरिषद लिख के देता है, लेकिन बताएंगे फिर कहीं कहीं पावर है राष्ट्रपति को, वो बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो संसदीय व्यवस्था में यही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पावरफुल होते हैं, मंत्रिपरिषद पावरफुल हो जाता है, ठीक है। और पूरा पूरा जो है जो भी नीति विधि या व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, सारा कुछ कहाँ पे होता है, संसद में होता है, ठीक है। तो संसद ही जो है क्या होता है, सबसे प्रमुख होता है, इसीलिए जो है इसको संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। क्लियर, समझ में, चलो उसमें लिखो संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था भारत में इंग्लैंड की वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली को अपनाया गया है।
इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका व्यवस्थापिका मतलब व्यवस्थापिका होता है विधायिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देश के राष्ट्रीयाध्यक्ष का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का होता है परंतु उनकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है लाइन चेंज कीजिए देखिए। इस संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी अपनाया गया है। जहां राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है परंतु वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। तो यही जो है क्या है वेस्टमिंस्टर प्रणाली है सिस्टम है जैसे बोलते हैं ना। वेस्टमिंस्टर सिस्टम अगर देखें तो क्या है इसमें जो है राष्ट्रपति जो है ये जो है क्या होते हैं प्रमुख होते हैं
प्रमुख होते हैं, ठीक है। और इनके सहयोग करने के लिए जो है, सहयोग करने के लिए क्या होता है, मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। ये मंत्रिपरिषद मतलब जो है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्री, है ना। अन्य मंत्री में जो है, अन्य मंत्री में कौन कौन मंत्री होते हैं मालूम है ना, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री ये होते हैं स्वतंत्र प्रभार के, ठीक है। और उप मंत्री, ये चार टाइप का जो है मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ठीक है। ये चार टाइप का जो है मंत्रिमंडल में, यही चार टाइप का जो है मंत्री होता है, क्लियर। यही जो है क्या कहलाता है, और ये सारा का सारा मिला दीजिए प्लस जो है प्रधानमंत्री मिला दीजिए, ठीक है। यही इन सबको मिला दीजिए तो क्या कहलाता है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यही जो है सरकार होता है, क्लियर। यही जो है मंत्री परिषद होता है। और हम लोग यूज करते हैं मंत्रिमंडल की बैठक में जो है, तो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का जो है मीनिंग होता है कि जो है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री, है ना। ये इसको मंत्रिमंडल या इसको कैबिनेट की बैठक भी बोलते हैं, कैबिनेट, ठीक है। या कैबिनेट की बैठक में जो है कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री यही होते हैं। और मंत्रिपरिषद का बैठक होगा तो सारा मंत्री होगा बैठक में, है ना। तो कोई भी अगर नीति, कोई भी बिल अगर पास करना है, प्रस्ताव पास करना है, तो ये कैबिनेट ही क्या करता है, पास करता है, क्लियर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए कि जो है रेलवे मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय है ना, रेलवे मंत्रालय है। अब रेलवे मंत्रालय का जो है, जो रेल मंत्री, जो प्रमुख रेल मंत्री होंगे, प्रमुख जो रेल मंत्री हैं, यही क्या होगा, कैबिनेट, यही कैबिनेट मंत्री, जो भी मंत्रालय का हेड होगा वो कैबिनेट मंत्री कहलाएगा, समझ में। जो भी मंत्रालय का हेड होगा, जैसे रेलवे का हेड रेल मंत्री, कैबिनेट मंत्री होंगे। मान लीजिए होम मिनिस्टर है, तो होम गृह मंत्री का जो है, जो मंत्री होंगे तो क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। विदेश मंत्री जो होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। वित्त मंत्री होंगे, कैबिनेट, मतलब जो भी मंत्रालय है उस मंत्रालय के जो भी हेड होगा वो क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो राज्य मंत्री हैं, है ना, चूँकि ये एक संविधान में नहीं दिया हुआ है, संविधान में कहीं भी यूज नहीं किया गया, सिर्फ वहाँ पे मंत्री का यूज किया गया है। प्रधानमंत्री का यूज है संविधान में और मंत्रियों का यूज किया गया है, लेकिन कौन कौन मंत्री होंगे इसका उल्लेख नहीं है, समझ में। तो ये हम लोगों ने अपने अनुसार जो है बना दिया है, समझ में। तो हम लोगों ने अपने अनुसार बना दिया है। कैबिनेट का एक बार उल्लेख किया गया है कि कैबिनेट के बैठक में, प्रस्तावों में एक बार उल्लेख किया गया है आर्टिकल 75 में, ठीक है। आर्टिकल 75 में एक बार कैबिनेट का यूज़ किया गया और उसमें यह किया गया कि कोई भी जो है निर्णय कैबिनेट के बैठक में ही पास होता है, पास होगा, ठीक है। तो अब इनके लिए जो है, अब कैबिनेट मंत्री हैं ये रेल मंत्री, है ना। अब इनको, इनके पास मंत्रालय में बहुत सारा विभाग होता है, है ना, रेलवे से संबंधित बहुत सारा जो है डिपार्टमेंट होता है। अब इनको अकेले काम करना है, बहुत काम करना पड़ता है, है ना, स्ट्रेस हो जाता है। तो कैबिनेट मंत्री को जो है हेल्प करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, राज्य मंत्री बना दिया। ये क्या है, ये सहायक है, किसके,
कैबिनेट मंत्री का, समझ में? ये सहायक हैं, ये प्रमुख मंत्री नहीं हैं, ये सहायक हैं। ये रिपोर्ट किसको करेंगे? कैबिनेट मंत्री को, समझ में? तो कैबिनेट मंत्री के सहायक हैं राज्य मंत्री। कभी कभी क्या होता है कि राज्य मंत्री को कभी कभी किसी विभाग का जो है, अब जैसे राज्य मंत्री हैं तो जो कैबिनेट मिनिस्टर जो काम देखेंगे उसी को जो है राज्य मंत्री भी देखेंगे, सारे विभाग का काम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी विभाग पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो हम एक राज्य मंत्री को जो है स्वतंत्र रूप से जो है उस विभाग का हेड बना देते हैं कि भाई ये लो आप जो है इस विभाग का जो है आप देखो, सिर्फ इस विभाग का। रेलवे मान लीजिए कि मान लीजिए ट्रैफिकिंग ट्रैफिक वाला विभाग है या रेल लाइन बिछाने वाला विभाग है, तो हम लोग उसको उस विभाग का जो है दे दिए कि भाई ये लो आप ये जो है स्वतंत्र रूप से जो है आप इसी काम के लिए रखा गया आपको, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्र। तो कोई एक विभाग हम इनको दे दिए, जैसे मान लीजिए गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय में जो है मान लीजिए वहाँ पर उसमें बहुत सारे विभाग है, प्रशासनिक विभाग है, हिंदी भाषा विभाग है, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी वाला विभाग है, आईबी डिपार्टमेंट उसी में आता है, ठीक है, वो भी विभाग है, पैरामिलिट्री वाला विभाग है। अब मान लीजिए कोई राज्य मंत्री बनाए और बोले कि भाई देखो इंटरनल सिक्योरिटी वाला विभाग जो है तुम स्वतंत्र रूप से देखोगे, अब ये राज्य मंत्री क्या करेगा, सिर्फ जो है इंटरनल सिक्योरिटी वाला ही काम देखेगा। ये स्वतंत्र रूप से इनको दे दिया गया कि भाई आप स्वतंत्र आप उस विभाग का काम करो, समझ में? और रिपोर्ट जो है कैबिनेट मंत्री को। उप मंत्री जो है कोई बहुत बड़ा ही नहीं है, बस ऐसे ही उनको बना दिया गया है, ठीक है। ये बना दिया गया इसलिए क्योंकि जो है जब गठबंधन का सरकार था तो हर कोई जो है प्रधानमंत्री बनना चाहता था गठबंधन सरकार में, है ना, या मंत्री बनना चाहता था, चार सीट है हमको, दो को मंत्री चाहिए, तो सबको कैबिनेट मंत्री तो मिलेगा नहीं सबको। नहीं, परमानेंट टाइप का ही है, मतलब अगर वो है तो फिर उस काम को 5 साल देखते रहेगा जब तक वो मंत्री में है, तो फिर कोई जरूरी नहीं कि वो मतलब वही रहेगा, वो विभाग जो है वो तत्काल दे दिया जाता है। देखो शपथ जो लिया जाता है ना वो मंत्री के रूप में लिया जाता है, लेकिन विभाग का बंटवारा जो होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, तो विभाग किसको क्या मिलेगा वो राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री देते हैं, उनके सलाह पर ही करते हैं। तो स्वतंत्र विभाग दे दिया गया, अगले बार नहीं दिया गया, है ना, तो वो सिर्फ उस समय के लिए होता है, वो प्रधानमंत्री चाहे तो उसको फिर स्वतंत्र मंत्री को हटा दिए, फिर उसको डाल दिए दूसरे में, वो डिपेंड करता है, समझ में? इसलिए नहीं देखते, कभी कभी प्रधानमंत्री जैसे मान लीजिए कभी कभी मुख्यमंत्री भी कोई विभाग जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री का विभाग खुद अपने पास रख लेते हैं, नहीं अब मुख्यमंत्री कभी कभी वित्त मंत्रालय का विभाग भी रख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है वित्त मंत्रालय हमेशा अपने पास रखे हैं, बजट खुद पेश करते थे वो लोग के, समझ में? तो विभाग का वो बंटवारा करना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो बंटवारा कैसे करना है वो जाने, किसको देना है बढ़िया पद, किसको देना है खराब पद। तो ये जो है गठबंधन का सरकार आया तो चार सीट वाला भी, चूँकि चार सीट भी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको चाहिए मंत्रालय, मंत्री चाहिए उस भी, तो बोला भाई मंत्री तो चलिए आपको उप मंत्री बना देते हैं, है ना, बोला कि उप मंत्री बनाते हैं, चलो राज्य मंत्री बना देते हैं, कोई मंत्री तो बनाना ही पड़ेगा, कैबिनेट मंत्री सीमित है, अब मंत्रालय कहाँ से नया लाएंगे, तो उसी मंत्रालय में जो है दो तीन पोस्ट और क्रिएट किया गया और लोगों को बांट दिया गया, तो खूब जो है आकार जो है मंत्रिमंडल क्या हो गया, बड़ा हो गया, समझ में? खूब बड़ा हो गया। तब सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखो ऐसे नहीं चलेगा काम, आप तो ऐसे ऐसे करते करते मालूम चलेगा कि जितना का बाबू ना उतना झुंझुना हो जाएगा, है ना, मतलब मालूम चला 543 सदस्य है लोकसभा में, है ना, 500 जो है मंत्री बना दो सबको, 250 मंत्री बना दो सबको, एक एक सांसद को मंत्री बना दो, तब तो बहुत मुश्किल है, हर कोई मंत्री बन जाएगा। तो बोला कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बोला कि देखिए भैया ऐसा है कि जो है जो टोटल सीट है उसका 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, लिमिटेशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि नहीं ये 15% ही आप बना सकते हो, समझ में? तो 15% ही अब मंत्री कोई भी मंत्री बनाना हो 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल का आकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में, ये नियम जो है सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, नहीं तो मालूम चला कि सब मंत्री बन जाता था, समझ में? यही जो है तो ये मंत्रिपरिषद बन गया, ठीक है। तो ये मंत्रिपरिषद क्या है, तो ये राष्ट्रपति क्या होता है कि वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम में क्या है
राष्ट्रपति जो है प्रमुख है, है ना, इनके सहयोग के लिए जो है मंत्रिपरिषद है, ठीक है। यही मंत्रिपरिषद क्या होता है, वास्तविक जो है प्रधान बन जाता है, ठीक है। और जो है राष्ट्रपति जो है सिद्धांतिक जो है प्रधान बनता है। जैसे ब्रिटेन का राजा है ना, कोई काम लायक नहीं है लेकिन राजा है, प्रमुख वही है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ का प्रधानमंत्री सारा काम देखते हैं ब्रिटेन का, उसी तरह यहाँ भी उसी तरह का व्यवस्था को अपना दिया गया। क्लियर, समझ में आ गया संसदीय व्यवस्था। नेक्स्ट लिखो, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है। ये भी हमारे यहाँ जो है बोला जाता है कि जो मौलिक अधिकार जो है और मौलिक कर्तव्य जो है, ये भी संविधान की विशेषता ही है, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में बोला जाता है कि ये जो मौलिक अधिकार है ये जो है कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से। मूल अधिकार का जो व्यवस्था है अमेरिकी संविधान में जो है, वहाँ पे मूल अधिकार का जो है संविधान में वहाँ पे दिया गया है, प्रोविजन किया गया है अमेरिका में। और मौलिक कर्तव्य जो है ये लिए हम लोग रूस से, अभी रूस बोलते हैं लेकिन उस समय जो है इसको USSR बोलते थे, सोवियत संघ, ठीक है। तो हम लोगों ने रूस से लिया है, ठीक है। अभी दोनों जगह दोनों चीज़ें हम लोगों ने जो है अलग अलग देशों से लिया है ना। तो जिस तरह फंडामेंटल राइट जो अमेरिका में जो रखा हुआ था, तो हम लोगों ने व्यवस्था तो उसी तरीके से किया है लेकिन हम लोगों ने उसको अपने हिसाब से ढाल लिया है। मतलब अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है उसको ज्यों का त्यों हम अपने यहाँ नहीं रखे हैं, बल्कि हम लोगों ने क्या किया है कि मौलिक अधिकार को अपने हिसाब से ढाल लिया है। मतलब हमारे देश का परिस्थिति अलग है ना, अमेरिका का परिस्थिति अलग है, ठीक है। तो अमेरिका का जो परिस्थिति है उस हिसाब से वहाँ का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, हमारे यहाँ का जो परिस्थिति है उस हिसाब से हम लोगों ने मौलिक अधिकार दिया है। हम लोग अगर अधिकार को अगर बांटेंगे तो अधिकार हमारा जो है, जो राइट है, वो दो भाग में बढ़ जाता है संविधान में। एक है फंडामेंटल राइट जहाँ पे अधिकार दिया गया है, और दूसरा है DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना, DPSP में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे भी अधिकार यहाँ भी दिया गया है, बहुत सारा अधिकार जो है यहाँ भी बोला गया है कि लोगों को जो है समान कार्य के बदले में समान वेतन दें, ये अधिकार है, है ना। या जो है मानुचित जो है दशाएँ उनके लिए बनाया जाए, काम का घंटा, मानुचित दशाएँ क्या है, काम का घंटा निर्धारित करें, छुट्टी का व्यवस्था हो, ठीक है, स्वास्थ्य देखना, शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सब कुछ अधिकार के रूप में ही है। लेकिन ये क्या है, ये बाध्यकारी नहीं है, ये राज्य जब जब चाहेगा तब तक जो है वो देगा, और ये बाध्यकारी है। फंडामेंटल राइट में जो दिया हुआ है ये राज्य को देना ही देना है, अगर ये नहीं देंगे तो आप इसको लेने के लिए जो है न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बाध्यकारी नहीं है, इसलिए क्योंकि राज्य के पास जो है रिसोर्सेज जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको देगा, है ना। जैसे मान लीजिए रोजगार का अधिकार दिया गया ना मनरेगा, है ना, तो अधिकार हो गया। खाद्य सुरक्षा एक्ट, राइट टू खाद्य सुरक्षा एक्ट, वो भी अधिकार दे दिया गया, है ना। तो एक तरह से कि राज्य को जैसे रिसोर्सेस आएगा वैसे वैसे वो देते चली जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो अगर नहीं देगा राज्य तो आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट में कि भाई राज्य हमको नहीं दे रहा, ये क्योंकि बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग राइट है, तो ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं, लेकिन जो है इसको हम लोगों ने ज्यों का त्यों नहीं रखा, बल्कि अपने हिसाब से हम लोगों ने इसको बना दिया है, और हम लोगों ने मौलिक अधिकार को जो है कई भागों में डिवीजन कर दिया है, है ना।
पहले जो है 7 था, अब जो है 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सा मौलिक अधिकार रखा, जैसे समता का अधिकार, पहला समता का अधिकार है ना, राइट टू इक्वलिटी है ना, पहले समता का अधिकार है, तो समता का अधिकार 14 से 18 यही है ना समता का अधिकार। दूसरा जो है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 यही है ना, 22 भी है ना। ठीक है, तीसरा है, तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध, वृद्ध अधिकार 23, 24। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, अधिकार ठीक है 25 से 28। ठीक है, उसके बाद है जो है संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, स्पेशली जो है अल्पसंख्यक। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है आपका कितना है 29 और 30, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद जो है संपत्ति का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 31 में था। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 32 यही है ना, यही 7 जो है मूल संविधान में 7 जो है फंडामेंटल राइट था। पहला जो है समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, और संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। यही जो है 7 प्रकार का अधिकार था, लेकिन जो है संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 को जो है ये हम लोगों ने हटा दिया, और आर्टिकल 31 से जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटाकर हम लोगों ने इसको क्या बनाया, लीगल, लीगल राइट बना दिया, लीगल राइट है ना। ये इसको कहाँ रखा, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है 300A में, आर्टिकल 300A में जो है हम लोगों ने संपत्ति का अधिकार रखा, तो ये संवैधानिक हो गया, लेकिन लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट। कभी भी आएगा क्वेश्चन तो इसको क्या मारेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, ये विधिक अधिकार है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि सरकार जब चाहेगी आपके संपत्ति को ले लेगी, फंडामेंटल राइट रहता तो नहीं ले पाती, अभी ले लेती है ना, ईडी छापा मारती है, अटैच कर लेती है सारा संपत्ति को, ले लेती है, भले आप बाद में दोषी ना हो, संपत्ति तो ले ही लेती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि लीगल है, सरकार जब चाहेगी तब आपसे लेगी, तो लेकिन ये संवैधानिक है, लीगल संवैधानिक। ठीक है, पहले ये क्या था, मौलिक अधिकार था, तो यही जो है अब मात्र 6 जो है फंडामेंटल राइट आपका बचा हुआ है। क्लियर, यही 6 है, ये हमारे अनुसार है, ये हम लोगों ने अपने अनुसार, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे यहाँ का है, महिलाओं का शोषण, बच्चों का शोषण होता था है ना, बाल श्रम चलता था, इस पर जो हम लोगों को रोक लगा दिया। ठीक है, समता का अधिकार में भी हम लोग आर्टिकल 15 देखें, 16 देखें, 17 देखें, 18 देखें, ये सारा का सारा क्या है, ये सब हम लोग अपने हिसाब से रखे हैं, तो ये हमारा जो है संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, ये एक विशेषता है कि हम लोगों ने